दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने गाड़ी नंबर से ही आप अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कि आरसी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहां पे डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा आरसी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप अपने किसी भी क्रोम ब्राउजर पर आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा परिवहन। दोस्तों परिवहन सर्च करने के बाद परिवहन .gov.in जो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख रही है उस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अब जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद जो सबसे पहली ऑप्शन दिखाई देगा व्हीकल रिलेटेड सर्विस, आपको उस वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने स्टेट के नेम के ऊपर क्लिक करना रहेगा या फिर सेलेक्ट करना रहेगा। चलिए हम अपने स्टेट के नेम के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अपने स्टेट के नेम के ऊपर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि आप इस तरह का देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाना है, नीचे आपको यहाँ अपने आरटीओ को सेलेक्ट कर लेना है। आरटीओ को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, जो कि मैं आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी कैसे ओरिजिनल डाउनलोड करते हैं। आरएटसी प्रिंट फॉर्म 23 के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आरसी प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर टाइप कर लेंगे, आपका टू व्हीलर है या फिर फोर व्हीलर है, जो कि ये ओरिजिनल आरसी मान्य होता है UP 666। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना चेचिस नंबर टाइप कर लीजिएगा, चेचिस नंबर फुल अपने आपसे आरसी में मिलेगी। अगर दोस्तों आप सिर्फ अपने गाड़ी नंबर से अपने व्हीकल की पूरी डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपना इंजन नंबर भी टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं 6ASYS, मैं जबकि आपको यहाँ पर लाइव प्रोसेस सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, 4586। उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई डिटेल्स ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपका शो कर दिया। दोस्तों इसी मोबाइल नंबर पे 4 अंक का OTP जाएगा। अगर दोस्तों आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका शो नहीं करता है तो मैं आगे चल के वो भी बता देता हूँ कैसे आपका शो करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा आपके ओरिजिनल RC को डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों मेरे फ़ोन में OTP आ चुका है, तो चलिए यहाँ से हम अपने OTP को टाइप कर लेते हैं। OTP दोस्तों आपको सुनने के बाद दोस्तों आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका RC सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है कुछ इस तरीके का, जो कि इसमें आपका पूरी डिटेल्स दिखेगी। आप यहाँ पे आप कहीं भी इसको दिखाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मान्य होगा। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF फाइल में प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके और प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी बाद में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका वहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं शो कर रहा है अथवा आप मोबाइल नंबर अपना अपडेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट होम पेज पर आ जाइएगा परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले परिवहन सर्च किया हूँ। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन सर्विस के आने के बाद यहाँ पर व्हीकल रिलेटेड सर्विस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको ये भी प्रोसेस बता देता हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर अपने व्हीकल में कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर लिंक कर सकते हैं। अगर आपका चालान भी होता है तो आपके फ़ोन में डायरेक्ट मैसेज भी आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना RTO सेलेक्ट कर लीजिएगा। RTO सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपना व्हीकल नंबर, इंजन नंबर, चेचिस नंबर टाइप करके यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करके अपडेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर सब कुछ दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों आप कुछ इस तरीके से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक था तो लिंक इस तरह से करके आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू मच दोस्तों।